की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बनी कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन। कोयडा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मनमाने ढंग से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। सुंदरगढ़ जिला कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बनी उपमंडल के बनी ब्लॉक गुरुंडिया ब्लॉक लहुनीपाड़ा ब्लॉक और कोयडा ब्लॉक कार्यालय के सामने धरना दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर सुंदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के एक कांग्रेसी नेता और बीरमित्रपुर एक पूर्व विधायक जाज तिर्की ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार सभी ब्लॉक के वीडियो को एक मांग पत्र प्रदान किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि हमारे देश में हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति तेल के मूल्य वृद्धि को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। उड़ीसा में लाखों लोगों ने कोविड-19 और लॉकडाउन के प्रभाव के कारण अपनी आजीविका खो दी है, जबकि औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र एक ठहराव में आ गया है। पिछले 22 दिनों में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आबादी को त्रस्त कर दिया है। ज्ञापन में कहा गया कि यह विडंबना है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और भेंट के नाम पर 50 रुपए प्रति लीटर से अधिक एकत्र कर रहे हैं। इस अवसर पर बीरमित्रपुर के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जस तिर्की उपस्थित थे, जबकि राउरकेला स्टील सिटी के वरिष्ठ नेता कैलाश चंद्र साहू, रोहित जोसेफ तिर्की, निहार दास, वीरेन सेनापति और संतोष बिश्वाल मौजूद थे। नागेश चंद पाड़ी की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। आज EICC के निर्देश पर सारा देश में हर ब्लॉक से ब्लॉक की जरिया से ये जो मेमोरेंडम दिया जा रहा है वीडियो के थ्रू से, इसलिए दिया जा रहा है कि आपको मालूम है पिछला 20-22 दिन से हर रोज पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ रहा है, जबकि आज अंतर्जातीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत घट रहा है। उसी समय हमारा भारत में मोदी सरकार और उड़ीसा में नवीन बाबू का सरकार हर रोज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं। इसका खिलाफ में आज EICC के निर्देश पर और उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये कार्यक्रम आदरणीय हमारा नेता जर्ज तिर्की जी की नेतृत्व में सारा सुंदरगढ़ जिला में किया जा रहा है। इसी तरह आज यहाँ पर कोयडा ब्लॉक से हम लोग यहाँ का जो कांग्रेस भाई लोग का साथ मिल के आदरणीय जर्ज तिर्की जी की नेतृत्व में हम लोग ये ज्ञापन सौंपा वीडियो जी का जरिया से। हम लोग उम्मीद रखते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि आज उड़ीसा सरकार और भारत सरकार दोनों सरकार आठ और एक्साइज ड्यूटी मिला के हर लीटर पर कम से कम 52 रुपीज से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, जो कि नाइंसाफी है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसीलिए हम उसको विरोध करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी जो कोरोना की समय है, लोगों का पास रोजगार नहीं है। आज आदमी आप जिंदगी जीने के लिए दावे पत्र दिए हैं, वो आपका किस लिए दिए? देखिए, सारा उड़ीसा में, सारा भारतवर्ष में ऐसी के निर्देश में हर ब्लॉक के जरिए महामहिम राष्ट्रपति को देने की बात की। आज हम लोग का कोयडा ब्लॉक में प्रोग्राम था, आज हम मेहनम थी मनोवीडियो के थ्रू में जरिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को दिए। पेट्रोल डीजल दर जो बढ़ रहा है और पिछले 20 दिन में ऐसा कि एकदम पूरा इतना ज़्यादा बढ़ गया, 10-12 रुपये बढ़ गया है, एकदम पूरा कभी भी नया संगत नहीं। और इसमें कहा देना चाहते हैं, जब मोदी नरेंद्र का मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 14 में, उस टाइम में क्रूड ऑयल तब $107 था, उस टाइम में हम लोग का डीजल था 58 से 60 रुपया, पेट्रोल था 71 रुपये। आज जब 3 रुपया घट गया है, 40 रुपया 42 रुपया हो गया है क्रूड ऑयल का डॉलर हो गया है, जब हो गया तो इसको 80 रुपये से पार हो गया है। और इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार का मिली भगत है, इसमें राज्य सरकार का फैट जो है और हम लोग केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क जो है उसको मिला के लगभग